तो आज हम फोर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम क्रॉपिंग टूल का यूज़ करके साइजेस वगैरह बनाना सीखेंगे। साइजेस लाइक कैसे, लाइक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना हो, पोस्ट कार्ड साइज़ बनाना है, या हमें जो फोटोग्राफर के अंदर जो साइज़ चलते हैं फोटोग्राफ्स में, जैसे 6x4 का चलता है, 5x7 का चलता है, 12x18 का साइज़ चलता है, ऐसे बहुत सारे अलग साइजेस फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं जो फ़ोटोज़ निकालते हैं। तो वो प्रॉपरली आपको प्रोफेशनली किस तरीके से बनाना है ताकि जब हम उसको बनाएं और प्रिंट करें तो प्रॉपरली वो उसी साइज़ में आए। कई बार एक्चुअल में स्टूडेंट करते क्या है कि साइज़ बना लेते हैं लेकिन जब उसको प्रिंट करते हैं तो वो उस साइज़ से नहीं आता है, या तो उसे छोटा आएगा या उससे बड़ा आएगा। तो हमें बेसिकली इसमें ये समझेंगे किस तरीके से फ़ोटोज़ बनानी है, उसमें क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारी फ़ोटो प्रिंट में एक्चुअल आए, जो हम साइज़ बना रहे हैं वही साइज़ आए। ठीक है, कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली क्रॉप टूल का यूज़ करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने बताया था क्रॉप टूल का बेसिक यूज़, यानी कैसे आपको क्रॉप करना है, कटिंग कैसे करना है। तो उसके लिए बेसिक क्या बताया था, बस आपने क्रॉप टूल लेना है और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है, जितना आपको पार्ट चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप एंटर कर दो या फिर माउस से डबल क्लिक कर दो, तो क्या होगा उतना पार्ट क्रॉप हो जाएगा। राइट, अब इसके थ्रू हम साइज़ कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है। ओके, वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से क्रॉप टूल लेना है और यहाँ से इसका आता है विड्थ और ये आता है हाइट। ठीक है, तो विड्थ मैं इसके लेने वाला हूँ, जो हमारा पासपोर्ट का साइज़ होता है वो होता है 30 mm, जो होता है वो विड्थ होता है, और 40 mm जो होता है वो हाइट होता है, mm यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, ये ले लेंगे और फिर एंटर कर लेंगे। तो अभी क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उस साइज़ के अंदर आ चुका है। अब बस आपने करना क्या है, इसे एडजस्ट करना कितना पार्ट आपको चाहिए, जहाँ हमारे शोल्डर के आसपास एरिया रहता है like this, ठीक है। और फिर आपने करना क्या है, इसको सेट कर लो कितना क्या पोजिशनिंग रखनी है, फिर एंटर कर देंगे, ये एक क्रॉप आपका साइज बन गया। ठीक है, इसका अगर हमें बैकग्राउंड भी चेंज करना है, सपोज हमें बोला गया कि इसका बैकग्राउंड भी चेंज कीजिए, बैकग्राउंड जो है वाइट रखना है या कोई डिफरेंट बैकग्राउंड रखना है, तो वो मैंने आपको कटिंग करना सिखाया था किस तरीके से कटिंग करके आप बैकग्राउंड चेंज करना है, इसमें भी बताना है, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो मैं इसमें फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ क्या, मैग्नेटिक ग्लास को। ठीक है, ये लिया और इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लिक करके छोड़ देना है, उसके पास पास आपको ड्रैग करना है, और कहीं कहीं आपको पॉइंट जो है क्लिक करना पड़ सकता है, और अगर ये भी बताया था कोई मिस्टेक हो जाए उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, बैक स्पेस यूज़ करना है। अब यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है, इनसाइड में एजिस पे अच्छे से नहीं मैग्नेटिक वाला काम करता है, तो इसका भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपने क्या करना है। पूरा इस तरीके से करने के बाद जो इसके एजिस रह गए हैं तो आपने यहाँ से यूज़ करना है लैसो वाला, और यहाँ से ऐड सेलेक्शन, राइट, उसके बाद आपने वो पार्ट ऐड कर लेना है इस तरीके से, ये हो गया, और यहाँ भी हमने ऐड कर लिया, और इतना भी पार्ट जो यहाँ से छूट रहा है ये भी आप ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट पूरा इसके अंदर कवर हो चुका है, और हाँ हेड पे रह गया थोड़ा सा, तो यहाँ भी सेम आप इस तरीके से इसको पूरा कवर कर लेंगे, तो ये भी ऐड हो गया है। क्लियर, ये बन चुका है। अब क्या करना है, अभी जो सिलेक्शन है वो इनसाइड वाला है, तो हमें इसको इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आई, और बैकग्राउंड को भी अनलॉक करना है, फैदर भी यूज़ करेंगे ताकि जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाए, शिफ्ट F6, मैं अराउंड इसको 0.5 के आसपास रख रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इमेज साइज होता है, अगर इमेज साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ पे 1 या 1.5 पे 2 रख सकते हो मैक्सिमम, इमेज साइज छोटा है तो 0.5, 0.3, 0.6 ऐसे यहाँ पे रख, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इमेज साइज। ओके, और फिर जस्ट आपने डिलीट कर देना है, बैकग्राउंड हट गया, सिलेक्शन रिमूव कर दो कंट्रोल डी। अब हमें बैकग्राउंड बोला गया है कि लाइक वाइट रखना है क्योंकि इसमें हल्का सा टेक्सचर आ रहा था, तो आपने करना क्या है, एक न्यू लेयर लेना है, राइट, और उस लेयर को नीचे ड्रैग कर दो, पहले ही ये उस लेयर को नीचे ड्रैग कर दिया, और इसके अंदर मैं फिल कर दूंगा वाइट कलर। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे क्या होता है, बाई डिफॉल्ट अगर कोई डिफरेंट कलर होता है, सपोज़ जैसे अभी यहाँ पे रेड है और ये ग्रीन है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलर आना है ब्लैक एंड वाइट, तो आपने डी प्रेस करना है, डी प्रेस करने से क्या होता है, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वाइट एंड ब्लैक का बैकग्राउंड डिफॉल्ट कलर आ जाता है। तो अब आपका वाइट कलर फिल करना है वो बैकग्राउंड में है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया और प्रॉपरली वे में आपका कटिंग हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने इसका साइज भी बना लिया, कटिंग भी कर ली, अब इसको प्रिंट में एक्चुअली करना कैसा, वो कई सारे हमें फोटोज भी चाहिए होंगे, तो अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपने इसका साइज चेक करना है, प्रॉपर साइज है या नहीं, तो कंट्रोल ऑल्ट आई करेंगे, यानी कि इमेज साइज क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट आई, ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इमेज के अंदर और इमेज साइज, या ऑल्ट नहीं इमेज साइज ऑल्ट कंट्रोल आई। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, या तो ये यूज़ कर लो शॉर्टकट यूज़ कर लो, तो ये इसका ऑप्शन दिखा देगा,
तो ये हमें MM में चाहिए, तो मैंने MM में कर दिया, बट MM में भी साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब इसको अगेन सेट कर लो, यहाँ पे मैं इसका साइज रख रहा हूँ 30 mm और यहाँ पे 40 mm, ठीक है। रेजोल्यूशन हम प्रिंट में कितना यूज़ करते हैं 300, तो यहाँ पे कितना रखना है आपने 300, यानी आपको बाद में यहाँ से जाके उसको दोबारा रीसेट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ साइज, अगर साइज ओके होगा तो आपको दोबारा सेट नहीं करना है, बट रेजोल्यूशन जरूर आपको चेक करना है, क्योंकि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा हुआ, मतलब कम हुआ, तो प्रिंट में क्या रहेगा, छोटा आएगा। रेजोल्यूशन बड़ा हुआ तो प्रिंट में बड़ा आएगा, मतलब ज़्यादा हुआ रेजोल्यूशन तो प्रिंट में क्या होगा, वो बड़ा साइज आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से रीचेक करना है साइज ओके है और रेजोल्यूशन ओके है या नहीं, ओके नहीं है तो उसको करेक्ट कर लो एंड देन ओके कर दो, तो उस हिसाब से हमारा ये सेट हो जाएगा, राइट। अब इसे हम करेंगे क्या, अलग शीट पे इसे यूज़ करेंगे और वहाँ से प्रिंट करेंगे, यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ प्रिंट करेंगे तो पूरा एक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने का क्या मेथड रहेगा, आपको एक न्यू लेयर लेनी है, बट न्यू लेयर से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड अलग है और ये सेक्शन अलग है, अगर मैं अभी कॉपी करता हूँ कंट्रोल ए करके, तो पता है क्या कॉपी होगा, सिर्फ ये वाला कॉपी होगा, दोनों को मर्ज कर लेते हैं ताकि दोनों कॉपी हो। मर्ज करने का शॉर्टकट की लिख लो कंट्रोल प्लस ई होता है, कंट्रोल प्लस ई करने से क्या होगा, जितने लेयर्स हैं यहाँ पे सिलेक्टेड वो मर्ज हो जाएंगे। अब हुआ क्या, वाइट कलर की लेयर और ये जो इमेज है ये एक साथ मर्ज हो चुका है, अब देखेंगे वाइट इसके साथ में मूव होगा, और वही काम अगर हम पहले करते हैं तो क्या होता, इमेज ये अलग मूव होगी, ये अलग मूव, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों एक साथ रहे, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देना है, इससे वो दोनों लेयर मर्ज हो जाएंगे, ओके। अब आपने करना क्या है, इसको कॉपी कर लो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है। फिर एक नया पेज लेंगे कंट्रोल एन करके, कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ से आपने लेना क्या है, ए फोर लेना है, ध्यान रखना है साइज क्या रखना है, क्योंकि जो प्रिंट करेंगे वो ए फोर साइज में प्रिंट करेंगे, ए फोर लेना है और रेजोल्यूशन खास कर आपको ध्यान रखना है। अब अगर मान लो रेजोल्यूशन आपने 200 ले लिया तो साइज डेफिनेटली गड़बड़ होगा, ठीक है। तो आपने जो वहाँ इमेज का साइज का रेजोल्यूशन बनाया था 300, वही यहाँ पे इसका रखना है, समझना है, नहीं तो साइज गड़बड़ आएगा। ये ले लेंगे और फिर जस्ट क्रिएट कर देंगे, ए फोर साइज आ गया। अब उस इमेज को यहाँ आपने पेस्ट कर देना है, क्या है, कंट्रोल प्लस वी कर देना है, आ गया, और इसको फिर हमने यहाँ प्लेस कर लेंगे। और अब इसमें एक काम और करना है, इसमें बॉर्डर भी देना होता है, राइट, बॉर्डर, हाँ, कैसे देना, स्ट्रोक के थ्रू। तो यहाँ पे आपको जाना है एफएक्स पे, ठीक है, लेयर के अंदर आएगा, लेयर पैलेट के अंदर नीचे एफएक्स आएगा, इसमें जाना है और यहाँ से आपने यूज़ करना है स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन, और यहाँ से आपने लेना है 3 और ये आप ले लोगे इनसाइड, ठीक है, साइज रखना है 3 के आसपास और पोजिशन रखना है आपको इनसाइड एंड देन ओके। ये आउटसाइड करेंगे तो उसके बाहर आएगा, बाहर इन द साइज मतलब क्या होगा, साइज एक MM या एक दो पिक्सल बढ़ जाएगा साइज पे, ठीक है। इनसाइड करने का मतलब उसी साइज के अंदर रहेगा, हाँ वो भी कर सकते ट्रैक करके बुला सकते। अब इसकी कॉपी लेने के लिए क्या बताया था आपको, ऑल्ट के साथ आपने कॉपीज लेते जानी है, दोनों को सेलेक्ट किया कॉपी, फिर दोबारा एक और आ जाएगा, या हालांकि दो भी आ सकते हैं लेकिन दो में फिर कट जाएगा, एक एक को डिलीट कर दो। तो इस तरीके से आपने पासवर्ड साइज बना लिया, ठीक है। और कॉपी लेनी है इसकी ऑल्ट के साथ, एक और नीचे पूरा, यानी सेलेक्ट पूरा करने के बाद फिर अपने ड्रैग करना है, ठीक है, ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करना ताकि सारे सेलेक्ट हो, और फिर ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करें, तो ये बन जाएगा साइज आपका, क्लियर है। तो ये तो क्या पासपोर्ट साइज, अब मुझे इसमें बनाना है 6x4 का साइज बनाना, अलग से 5x7 का बनाना है, अब वो कैसे बनाएंगे, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इसका 5x6 का साइज बनाना है, 4x6 4 जो रहेगा वो विड्थ रहेगी और 6 अभी 4x6 मतलब इंच में हो गया, MM में नहीं, तो ये हमें बनाना है। तो क्रॉप टूल लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे 4 इंच और यहाँ पे 6 इंच, ठीक है, हाइट इसकी लंबी है इसलिए हाइट मैंने 6 कर लिया। अगर मान लो यही फोटो हमारी चौड़ाई वाइज होती तो हम रिवर्स कर देते, 6 यहाँ कर देते 4 यहाँ कर देते, ठीक है, डिपेंड करता है कैसा है। एंटर बन गया, अब इसका साइज चेक करना है, ऑल्ट कंट्रोल आई करना है, यहाँ से ले लो आप इंच में और यहाँ से दोबारा आपको सेट करना है 4 और ये 6, ठीक है, और रेजोल्यूशन कितना रखना है 300 और फिर ओके। तो ये हो चुका है, अब इसको आप क्या करो, कंट्रोल ए कर लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, उस वाले शीट पे आ जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका आ चुका है, ठीक है, ये 6x4 का साइज है। अब इस पर भी स्ट्रोक देना है, तो इस पर भी स्ट्रोक देने के लिए सिंपल सेलेक्ट कीजिए, अफेक्ट्स पे जाओ, यहाँ से स्ट्रोक पे आ जाओ और इसके अंदर सेम वो 3 इनसाइड ओके, तो इस पर भी वो स्ट्रोक आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये रहा।
ठीक है, कंट्रोल जीरो कर देंगे, फिर पेस्ट में। तो ये हो गया 6x4 का। अब इसको एक ही शीट पे प्रिंट करना है तो कंट्रोल टी करके राइट क्लिक 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लें ताकि हम एक और यहाँ सेट कर पाएँ। या अभी इसमें से काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, सिर्फ 4 रखते हैं। ये हो गया 6x4 का। अब मुझे 5x7 का बनाना है, तो इसी साइज का मुझे एक बड़ा भी चाहिए 5x7 का। तो क्या करेंगे, इसको वापस से अंडू करेंगे ताकि ओरिजिनल साइज़ का आ जाए। आगे ओरिजिनल साइज अंडू करके फिर आपने वापस से क्रॉप टूल लेना है और यहाँ पे विड्थ रखेंगे 5 इंच और ये रखेंगे 7 इंच। ठीक है, इसका एक बार ज़रा सेटअप चेक कर लेते हैं। यूज़ क्लासिक मोड, ये अगर ऑन करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ओपेसिटी ठीक है, कॉपी कर दो आप। ओके, तो ये हमने बना लिया। और कितना पार्ट आपको रखना है, दिखाना है 5x7 में, वो आप रख लीजिए, सेट कर लो और फिर एंटर कर देंगे। फिर सेम वही आपने ऑल्ट कंट्रोल आई करके इसका पोजीशन सेट करनी है। क्या रखना है यहाँ पे 5 इंच और ये 7 इंच, रेजोल्यूशन 300 एंड देन ओके। ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ पे इसको कर देना है आपने पेस्ट। तो ये इसका बड़ा साइज आ गया। अब एक काम करते हैं, जैसे यही सेम स्ट्रोक हमें इस पर डालना, तो एक तो मैंने आपको बताया एफएक्स के थ्रू, एक और तरीका है आप इसका स्टाइल कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कॉपी करना होता है, इसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी लेयर स्टाइल, और इस पर क्लिक करके आपने कर देना है पेस्ट लेयर स्टाइल। ठीक है, यानी जिसका कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करना है और क्या करना है, कॉपी लेयर स्टाइल, तो उसको लेयर को सेलेक्ट करना, उसके ऊपर राइट क्लिक करना और पेस्ट लेयर स्टाइल। और यहाँ से ये फायदा रहेगा, मल्टीपल पे पेस्ट कर सकते हैं एक साथ, एक पे नहीं, मान लो जितनी है सब पे हमें एक साथ पे करना है, पेस्ट करना है, सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर स्टाइल, तो सब पे एक साथ हो सकता है, ये फायदा रहेगा इसका। ठीक है, तो इसको भी अब क्या करते हैं, कंट्रोल टी राइट क्लिक रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पर निकल कर दिया, तो ये देखिए, तो ये हो गया इसका 5x7। तो इस तरीके से हम, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना और कटिंग करेंगे तो प्रॉपर ये 5x7 साइज में निकलेगा, ये 6x4 का, ये 5x7, क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से आप साइजेस अलग अलग बना सकते हैं। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा फोटो फ्रेम्स होते हैं, उसके अंदर एक सर्कल शेप के अंदर बना होता है, हार्ट शेप के अंदर भी बना होता है साइज, तो उसका भी हमें साइज बनाना होगा। अब वो कैसे बनाएंगे, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नो? ठीक है, अब हमें डिफरेंट साइज का बनाना है। जैसे आजकल फोटो फ्रेम चल रहे हैं हार्ट शेप में, सर्कल शेप में, पॉलीगन शेप में, ऐसे भी हमारे इमेजेस आते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। तो क्या करना है, आपने वो इमेजेस लेनी है। जैसे अब मुझे इसको क्या करना है, सर्कल शेप के अंदर फिट करना है, या ऐसा करते हैं कोई वेडिंग वाला ले लेते हैं, वो हमारे पास है यहाँ पे। अब जैसे हमें क्या करना है, इसका एक हमें साइज़ बनाना है, और साइज़ जो हमारा हमने आपने सेम वो साइज़ ले लेना है, जो साइज़ आपके पास है उसका मेजरमेंट कर लेना है। जैसे जहाँ पे जो स्टैंडर्ड साइज़ चलता है हमारा 7x7 इंच का चलता है, जो एक कॉमन फ्रेम्स होते हैं नॉर्मल साइज़ के, तो उनका साइज़ होता है 7x7 इंच का होता है। ठीक है, तो कैसे बनाना, देखिए आपने क्या करना है, एक हार्ट शेप ले लो जिस शेप में चाहिए, या सर्कल शेप में बना लें, सर्कल शेप में बनाते हैं चलो। तो आपने यहाँ से लेना है एलिप्स, ठीक है, इसके अंदर आएगा टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे एलिप्स सर्कल, इसका शॉर्टकट की है यू, और ये आपने क्या करना है, एग्जैक्ट 7x7 इंच का बनाना है। ठीक है, तो अब वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपका ये पास यहाँ पे साइज़ आता है, नहीं ये नहीं है, जो यहाँ पे सेटअप वाला ऑप्शन आएगा, सेटअप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे भी क्या है, अनकंस्ट्रेंड है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिक्स साइज़ ले लेंगे। फिक्स साइज़ का मतलब क्या होता है, जो साइज़ हम यहाँ डालेंगे ना उस साइज़ में बन के आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 7x7 इंच, ठीक है, और एंटर। उसके बाद अब जब मैं क्लिक करूँगा तो पता है सीधा वो 7x7 इंच का बन के आएगा। ठीक है, सर्कल के अलावा मान लीजिए अगर हमें कोई डिफरेंट शेप चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने उसी शेप के अंदर आना है, लास्ट में कस्टम शेप आता है, कस्टम शेप लेंगे और यहाँ पे शेप्स की पैरामीटर्स आएंगे। तो यहाँ पे आपके कई सारे शेप्स हैं, वाइल्ड है, लीफ है, बुक्स हैं, फ्लावर्स हैं, जैसे हम फ्लावर्स पर आएंगे वैसे फ्लावर्स के शेप आ जाएंगे, बोर्ड्स पर आएंगे बोर्ड्स के शेप्स आ जाएंगे, लीफ में है ऐसे लीफ के शेप्स आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बने बनाए शेप्स हैं, इसमें और भी हैं इसके अलावा। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आपने करना है अपेंड डिफ़ॉल्ट शेप कर देंगे, जितने हैं वो सारे आ जाए। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इसमें इन्होंने इतने ही किए हैं, बल्कि पुराने वाले वर्जन के अंदर और भी कई सारे हैं। ठीक है, हाँ आप नेट से भी लेटेस्ट डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे आप
और इम्पोर्ट शेप्स पे जाना होता है जहाँ भी आपके पास रखे होते हैं कस्टम शेप। ओके, तो अभी हम फिलहाल लेते हैं सर्कल में बनाते हैं, राइट। तो सर्कल लिया यहाँ पे, सेटअप पे जाएंगे और फिक्स साइज ले ले 7 इंच x 7 इंच, तो जस्ट क्लिक कर देना। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। और अब इसका इमेज साइज थोड़ा छोटा करेंगे, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको आपने करना क्या है, पहले अनलॉक करना है, डबल क्लिक करेंगे, ओके, फिर कंट्रोल टी, और इसको हम छोटा करते हैं जितना हमें उसके अंदर दिखाना है बेसिकली। ठीक है, एंटर। अब क्या करना है हमें, जो इमेज है वो सर्कल के अंदर रखना है। अब यहाँ तक ध्यान से समझना, क्या करना है आपने, इमेज नीचे है, सर्कल ऊपर है, ऑल्ट के साथ में आपने दोनों लेयर के बीच में क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं कुछ नहीं प्रेस करता, हैंड बना हुआ आ रहा है, देखो ये इमेज वाली लेयर है और यहाँ पे ये क्या है, शेप लेयर है। अब अगर मैं ऑल्ट के साथ दोनों लेयर के बीच में क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है, एक एरो बना हुआ आ रहा है ऐसे। अब इस पर तभी आएगा जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और माउस को बीच में लेके जाएंगे, बीच में लाएंगे तभी आएगा। अगर मैं ऊपर नीचे कहीं लेके आया तो देखो नहीं आ रहा है, बीच में जाना है, ऐसा एरो आएगा और फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो इमेज वो ये कि जिसको हमें इंसर्ट करना होता है ना उसको नीचे ऊपर रखना होता है। मुझे इमेज को इंसर्ट करना है तो इमेज कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, शेप नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर ऑल्ट के साथ में आपने दोनों लेयर के बीच में क्लिक कर देना तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आपका रेजोल्यूशन चेक करना है पहले, तो क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल आई और यहाँ से रेजोल्यूशन आपने रखना है 300। ठीक है, और इंच में ये इसमें जो इंच दिखाएगा ना ओवरऑल पूरे उसका दिखाएगा, लेकिन सर्कल का साइज हमारा कितना है, 7x7 ही है। अब इसको देखो यूज़ करेंगे कैसे, इसको आप चाहो तो मर्ज कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि जब कहीं वो लेके जाए दिक्कत नहीं आए, तो कंट्रोल ई करके मर्ज कर लो आप। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइल यहाँ है, यहाँ हमें यूज़ करना है, या एक और नया बना सकते हो आप चाहो तो आपने कंट्रोल एन करना है, क्या लेना है, A4 लेना है। ठीक है, 300 पेज। अब उस वाले साइज को हम यहाँ ले आएंगे, ड्रैग करके भी रख सकते हैं, ये देखिए ये आ गया प्रॉपर 7x7। अब इसे वो स्ट्रोक डालना है, राइट क्लिक करके फेस लेयर साइज, तो ये प्रॉपर, अब इसको प्रिंट करेंगे प्रॉपर इस 7x7 का साइज आएगा। क्लियर, ऐसे मान लो हार्ट शेप में बनाना है या किसी डिफरेंट शेप में बनाना है, सेम कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, साइज आपको ले लेना है, किसका, शेप का। कैसे लेंगे, शेप सेलेक्ट करना है, यहाँ सेटअप पे जाना है और फिक्स साइज में लेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से प्रॉपर हम साइजेस में इमेजेस बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कोई भी साइज फोटोग्राफ का किस तरीके से बनाना है। अगर आपको कोई डिफरेंट साइज सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देन आई विल मेक अप वीडियो। ठीक है, और आप लोग कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप, चलिए आज की क्लास में इतना है, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।